रेसिपीज हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को दबाएं, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह करे सब अपने अपने घरों में खुश आबाद और खैरियत से रहें और वायरस से अल्लाह बीमारी से महफूज रखे, आमीन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। बनाई तो बहुत सारे लोगों ने है, लेकिन अपने स्टाइल से, हर एक का अपने हाथ का टेस्ट होता है, सब कुछ होता है। तो आज मैं बना रही हूँ कच्चे गोश्त की बिरयानी। उसके लिए सबसे पहले हमने लिया चिकन, ये 1 किलो चिकन, इसको धो के साफ करके आप रख लें ताकि इसमें से पानी अच्छे से निकल जाए। 1 किलो चिकन, अब उसके अंदर डालूंगी मैं करीबन ये 1/2 किलो के करीब दही है, क्योंकि टमाटर तो इसमें डलेंगे नहीं, तो सिर्फ ओनली दही। दही हमने डाला, और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 लहसुन का पेस्ट। ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन, ये 3 टेबल स्पून है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, और इसको करते हैं मिक्स। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से लग जाए। आप रखें इसको 3-4 घंटे मैरिनेट करके रख दें तो बहुत ही अच्छी होगी। अगर बहुत जल्दी पकाना है तो आप इसको 1 घंटा भी रख सकते हैं। 1 घंटा रखने के बाद फिर आप इसको पका सकते हैं, अच्छे से इसको मैरिनेट करना उसमें। अब इसके अंदर डालूंगी मैं मसाले, स्पाइस भी बहुत हल्के से हैं, बहुत सिंपल से हैं। मैं हैदराबादी बिरयानी जो है कच्चे गोश्त की, उसमें सिंपल से डालते हैं। इसमें मैं 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून मैंने डाली है रेड चिल्ली, और हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर। ये मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाला है, वो हमने डाल दिया। ये धनिया पाउडर है, ये भी मैं ले रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर मैंने डाल दिए। नमक आपने हसबे जायका डालना है इसमें, नमक आपने हसबे जायका डालना है टेस्ट के मुताबिक अपने। बहुत ही हल्के और सिंपल से मसाले हैं। 4 से 5 अदद में डाल रही हूँ हरी मिर्चें इसके अंदर, और इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला, वो भी मैं 1/2 टेबल स्पून में डालूंगी। मेरे गरम मसाला मैंने डाला है इसके अंदर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्ज़ इलायची, वो भी आपने इसके अंदर डाल देनी है। मेरे 10 से 12 अदद ये हरी सब्ज़ इलायची हैं, इनको ऐसे खोल के इस तरह से आपने बीच में डाल देना, ऐसे खोल के डालकर हरी जो इलायची इसके मैंने अंदर डाली, वो डाल के इसको मिक्स कर लिया। अब मैं 1 अदद मैंने लेमन लिया, उसके 2 पीस करके इसका हम लेमन का अदरक निकाल के इसमें डाल देंगे जूस। पूरा 1 लेमन का आपने डालना है, और 1 लेमन का हम बाद में डालेंगे जब हम दम लगाएंगे। से अब मैं इसके अंदर तली हुई प्याज डालूंगी थोड़ी देर तक, और इसको हम तकरीबन 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रख लें तो भी बहुत अच्छा है, नहीं अगर जल्दी पकाना तो 1 घंटे के लिए मैं इसको अभी 1 घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी। अच्छे से ये जब मसाला इसके अंदर रच बस जाएगा फिर हम इंशाल्लाह इसको दम लगाते हैं फिर हम चावलों को। तो इसके अंदर अब ये है कि मैं ये प्याज
जो हमने ये प्याज तल के रखी थी, मैंने तीन प्याज लिए थे 3 घंटे बड़े वाले, तो वो मैं इसके अंदर अब ये थोड़ा सा आधा प्याज डालूंगी। ये तल के आपने डालना है प्याज इस तरह से, इसको मसल के ये देखें क्रिस्पी सा हो रहा है, ये आपने इसमें शामिल कर देना है। बाकी हम आधा रोक लेंगे, वो हम ऊपर से बाद में डालेंगे। ये भी मसाले के साथ ही आपने इसको डाल के तो रखना है, बस इसको ढक देना है ताकि अच्छे से। ये बहुत ही मज़े की बनती है, हैदराबादी बिरयानी है। इसके अंदर हमने लौंग डालनी है अभी, और बाकी के मसाले डालने हैं वो चावलों के अंदर हम डालेंगे, वो जैसे जैसे डालूंगे मैं अब आपको फिर बताती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैंने चावल ये देखें डाल दिए, ये मैंने 1 किलो चावल लिए और 1 किलो मुर्गी का गोश्त है, तो 1 किलो ही चावल है, इनको मैंने चढ़ा दिया। अब इसको हम 1 कनी बॉईल करेंगे और 80% हम इसको कुक नहीं पूरा करेंगे, 20% हम करेंगे ताकि फिर ये दम में गलेगा, यानी कि 1% हमने बॉईल करना है चावल। नमक हसबे जायका आपने डालना है, पानी चावलों का चख के आपने देख लेना है कितना नमक है इसके अंदर। तो मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था, उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाला है सफेद जीरा, और लौंगे हम डालेंगे इसके अंदर 10 से 12 अदद हमने लौंग डाल देंगे इसके अंदर। ये देखें ये मैं लौंग डाल रही हूँ इसके अंदर, और एक हम डालेंगे इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा, दालचीनी ये मैंने इसमें डाल दी, और काली मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी, 1 टीस्पून मैंने डाली है इसके अंदर, वो हमने डाल दी है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी पुदीना, पुदीने की पत्तियां हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, इससे क्या होगा कि अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है। और फिर इसके अंदर ये देखें बाकी का हम थोड़ा बचा लेते हैं और बाद में ऊपर डालेंगे। तो ये तो था सारा इसके अंदर जो मसाला, ये इंग्रेडिएंट्स डालें। अब मैं इसको ढक देती हूँ और 1 कनी मैं इसको पकाऊंगी। देखिए एक कनी मैं इसको पकाऊंगी और उसके बाद हम पानी निकाल लेंगे इसका, फिर डालेंगे। ये दूसरी तरफ मैंने 1 गिलास मैंने दूध लिया है और उसके अंदर मैंने 1 चुटकी ज़ाफ़रान डाला है, इसको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे, पका लूँगी इसको। ये भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी क्योंकि इससे और जायका इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा, बहुत ही मज़े की जो है ज़ाफ़रानी ऐसी बनेगी बिरयानी। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम जो है दम लगाते हैं, चावल हमारे रेडी हो गए, मैंने बताया था पानी उनका मैं निकाल लिया है, अब हम बिरयानी को लगाते हैं दम। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी चावल जो हमने दम लगाए हुए थे, ओ पानी निकाल के जो उसने रखा हुआ था, ये देख एक एक चावल ये इस तरह खिला है। ये हमने डाल दिया, अच्छे से इसको फैला लें। मैं एक ही तय लगाऊंगी क्योंकि मैंने 1 किलो चावल डाले और 1 किलो मैंने चिकन लिया है, तो मैं एक ही इसमें दम लगाऊंगी। ये ऑयल जो हमने प्याज इसमें फ्राई किया था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ऑयल डाल दिया। लेमन एक डालेंगे इसके ऊपर, निचोड़ेंगे निचोड़ूंगी एक लेमन, ये देखिए लेमन निचोड़ लिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें, वो मैं डाल दूंगी, और साथ ही मैं ये डालूंगी इसके ऊपर धनिया, ये देखिए धनिया डाल दिया। पुदीना डालेंगे हम इसके अंदर, पुदीना डाल दिया इसमें, और अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये जो हमने प्याज रखा हुआ था ब्राउन, ये मैंने इसमें डाल दिया,
लिया, मैं सारा सा प्याज डाल दिया। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी गरम मसाला थोड़ा सा, हम ऊपर से डालेंगे इसको। बेहतरीन सी बिरयानी तैयार करती है, देखिए गरम मसाला डाल दिया। अब मैं आती हूँ ज़ाफ़रान मिल्क, ये देखें जो ये ज़ाफ़रान मिल्क मैंने रखा था, इसको मैं एक साइड पे डालती हूँ ऐसे। साथ ही हम जर्दे का रंग जो मैंने एक टीस्पून, तो बकाया चावल जो थोड़े से थे वो पतीली में थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। डाल के मैंने इसमें जर्दे का रंग भी डाल दिया, ज़ाफ़रान भी, बाकी भी सारे धनिया पुदीना सब मसाले डाल के अब हम इसको ढक देंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, ये देखें कुछ मैंने पहले डाल दिया था और कुछ मैं अब डाल देती हूँ इसके अंदर थोड़ा सा। चले अब मैं इसको ढक दूंगी 5 मिनट। हम इसको जरा तेज आग पे हम इसको पकाएंगे, फ्लेम हम थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं। 5 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद हमने इसको तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए इसको तवा रख के दम लगा दें, या बिल्कुल हल्की आंच करके आप इसको इसके अंदर रोटी का कपड़ा या वैसे दे के उसको दम लगा के आप रख सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अब हम दम उठाने लगे हैं। 1 घंटा हो गया मैंने इसको दम लगाया था हल्की बिल्कुल आँच के ऊपर। तो अब हम देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हुई है। ये देखें आप कैसे खिले खिले से, एक एक राइस जो है वो अलग है, एक एक चावल ये देखें बिल्कुल से, ये देखें अलग है, ये देखें। अब मैं इसको ट्रे में डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिश आउट करते हैं, ये देख सकते हैं बोटी बिल्कुल गली हुई है, ये देखें आधी ये तोड़ी मैंने, बहुत ही मज़ेदार सी गली हुई है, खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है हैदराबादी चिकन बिरयानी, कच्चे गोश्त की जो बिरयानी है बहुत ही मज़ेदार सी रेडी है, मैंने निकाल के रखी है। साथ में इसके सैलड भी रखा है, और चाहें तो आप इसके साथ चटनी रायता हर चीज़ के साथ आप ये खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, तो और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हम बनाते रहेंगे, और आप सपोर्ट करेंगे चैनल को तो इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हम लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और अच्छी और हेल्दी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।